डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है ये आपके पास, टू प्रिपेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गैस, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस तैयार करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ज़रा देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, एक तो होती है इसकी स्मेल। देखिए जो जितनी भी गैसेस आप बनाएंगे तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लिख सकते हैं कि जो इनका ऑर्डर होता है, जो इनकी स्मेल होती है क्या होती है, वो पंजेंट होती है। अभी अभी आपको बता देता हूँ, फिर इसके कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह भी हम परफॉर्म कर लेंगे, देख लीजिएगा, इजी ज़्यादा। तो ज़रा देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपरेटस। तो प्रॉपर्टीज़ आपके पास दो किस्म की होती हैं, फिजिकल और केमिकल, ज़रा जहन में रखिएगा ये बात। पहले हम क्या करते हैं इसके अपरेटस डिस्कस कर लेते हैं। तो अपरेटस हमारे पास क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क हो गई, डिलीवरी ट्यूब हो गई, थिसल फनल हो गई, डबल बोर कॉर्क हो गई, गैस जार हो गया, आयरन स्टैंड हो गया, क्लैंप हो गया, ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, वायर गर्ज हो गया, और बर्नर हो गया, स्प्रिट लैम्प वगैरह कह देते हैं इसको, गिलास रोड हो गया, मैच बॉक्स हो गया, लिटमस पेपर हो गया, और वाटर ट्रफ हो गया। ये आप ज़रा देख लीजिएगा। अब ज़रा देखिए केमिकल में हम क्या डिस्कस करेंगे। केमिकल जो इसके इसके लिए चाहिए होगा आपको सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं कॉमन सॉल्ट, वो चाहिए होगा, H2SO4 चाहिए होगा, NH4OH चाहिए होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए होगा, लेड एसीटेट चाहिए होगा, और सिल्वर नाइट्रेट चाहिए होगा, AgNO3 जिसको हम कहते हैं। ये इससे होगा केमिकल्स। बस थ्योरी में क्या, थ्योरी वैसे प्रैक्टिकल में लिखते नहीं है, लेकिन आप जनरल वगैरह में थ्योरी लिख लीजिएगा। तो ये इक्वेशन भी NaCl प्लस H2SO4 क्या होगा, NaSO4 क्या बनेगा इसका, सोडियम NaHSO4 बनेगा और प्लस HCl होगा, या इसका इस तरह ले सकते हैं Na प्लस NHSO4 जो दूसरा स्टेप होगा इसका, Na2SO4 बन जाएगा सोडियम सल्फेट। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बनेगी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक आपके पास जो है एसिड भी होता है, एक गैस फॉर्म में भी होता है, तो एसिडिक नेचर होती है इसकी। मेथड आपको ज़रूर पता होना चाहिए, मेथड क्या है ज़रा देखिए, वैसे वीडियो भी देख लीजिएगा, वीडियो भी बनी हुई है, लेकिन ये ज़रूर देखा करें। टेक सम क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन आ राउंड बॉटम फ्लास्क, सोडियम क्लोराइड आम खाने का नमक लेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क में, क्लोज द फ्लास्क विद अ कॉर्क हैविंग टू होल्स, तो डबल बोर कॉर्क लेंगे हम इसमें, पास द डिलीवरी ट्यूब थ्रू वन होल, वीडियो में देख लीजिएगा किस तरह इसको सारा पैक किया है, वह पूरा प्रोसीजर देख लीजिएगा। पास थिसल फनल थ्रू सेकेंड होल ऑफ द कॉर्क इन सच वे डेट लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल डिप्स इन द एसिड, तो पूरा देखिएगा अच्छी तरीके से। प्लेस द फ्लास्क ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड हैविंग अ वायर गोज अपॉन इट एंड क्लैंप इट ऑन द आयरन स्टैंड। नंबर इसके बाद देखिए, पास अदर एंड ऑफ डिलीवरी ट्यूब थ्रू आ लिड इन टू आ गैस जार, तो आपको जो है गैस जार वाला जो है ना होल वाला लिड चाहिए होगा इसके लिए। सील द अपरेटस बाय प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये भी देख लीजिएगा। नाउ पॉर सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा इसमें, HCl से भी काम चल जाता है वैसे, अगर जिसके पास सल्फ्यूरिक एसिड ना हो HCl से भी काम चला लेता है, मगर जो है ना होना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए बेस्ट रिजल्ट के लिए। थ्रू थिसल फनल हिट द फ्लास्क इफ इट नेसेसरी, HCl गैस विल कम इन टू गैस जार थ्रू डिलीवरी ट्यूब एंड कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ये भी देख लीजिएगा। ब्रिंग अ गिलास रोड डिप इन टू अ लिक्विड अमोनिया, अमोनिया होता है NH4OH हो, अमोनिया हो, इफ़ वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, NH4Cl होगा प्लस HCl रिएक्शन करेगा तो अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम बन जाएंगे, आर फॉर्म द जार इज फिल्ड विद द गैस, तो आप इसको वैसे भी ले सकते हैं गैस जार में भी ले सकते हैं, और या जहाँ इसका एंड और डिलीवरी ट्यूब का वहाँ आप जो है ना गिलास तोड़ रख के करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ज़रा देखिए एंड में रिमूव द गैस जार एंड कवर इट विद द गिलास लिड एंड प्लेस इट इरेक्ट पोजिशन, फिल 6 जार बाय द सेम मेथड, जार अगर ना भी ले तो कोई मसला नहीं, जिससे आपका अमोनियम क्लोराइड वाला टेस्ट हो गया, ये आपको ग्लास रोड की मदद से इजीली हो जाएगा, लिटमस पेपर वाला भी हो जाएगा, चाहे तो लिटमस पेपर में आप क्या कर सकते हैं, लिटमस पेपर गैस जार में रख के भी उसका कलर चेंज होने का मुशाहदा कर सकते हैं। तो ये गैस जार की भी ज़रूरत इतनी ज़्यादा वैसे नहीं रहती, 2-3 गैस जार भी भर लेते हैं बहुत होगा। देखिए ऑब्जर्वेशन, ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे, सोलिबिलिटी होती है, तो अब ज़रा देख लें, आपको कोई से भी दो फिजिकल प्रॉपर्टीज करके दिखाना होगी, कोई से भी करके दिखा सकते हैं, इन्वर्ट अ गिलास फील्ड, इन्वर्ट अ गैस फील्ड जार इन अ वाटर ट्रफ अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, सोल्युबिलिटी टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर वाटर ट्रफ नहीं है लैब में। HCl गैस इन सोल्यूबल इन वाटर, तो ये पानी में सोल्यूबल नहीं होती, बस इतना पता होना चाहिए, वैसे भी आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए हर गैस की, तो क्या होती है पानी में इनसोल्यूबल होती है, बस इतना भी आप लिख सकते हैं, लेकिन केमिकल टेस्ट के लिए आपको प्रॉपर केमिकल रिएक्शन रिक्वायर होगा, वो आप देख लीजिएगा वीडियो में। कंबस्टिबिलिटी ज़रा देख लिए, इंट्रोड्यूस अ बर्निंग मैच स्टिक इन टू अ गैस फिल्ड जार, इट एक्सटिंग्विश्ड एंड गैस डज नॉट बर्न,
एसीएल गैस नाइदर बर्न्स और नॉर सपोर्ट्स कंबस्टन, तो कंबस्टन को सपोर्ट नहीं करती एसीएल गैस। ये आपको मैंने करके दिखाया, देख लीजिएगा। हेवियर और लाइटर जार देखिए, इन्वर्टर गैस जार विद ओवर एन एम्प्टी जार, रिमूव द लिड एंड इंट्रोड्यूस अ बर्निंग मैच स्टिक इन द लोअर जार, तो ये आप जार वाला से कर सकते हैं। द मैच स्टिक इज एक्सटिंग्विश एसीएल इज हेवियर देन एयर, तो ये आप इजीली लिख सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए एसीएल क्या होती है, हेवियर देन एयर होती है। अभी आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए प्रॉपर केमिकल रिएक्शन करना होता है, तो इसके लिए मैंने आपको वीडियो में बना के दिखाई, देख लीजिएगा। तीन, कम से कम तीन केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको करके दिखानी होंगी। ज़रा देखिए रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, पहले तो ज़रा देख लीजिए। इंट्रोड्यूस सम क्वांटिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इनटू अ गैस फिल जार, वेट प्रिसिपिटेट आर फॉर्म, तो आप टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हैं और गैस जार में भी ले सकते हैं, जिससे आपकी मर्जी हो। मैंने टेस्ट ट्यूब में लेके आपको दिखाया, तो आप चाहें तो गैस जार में लेके भी कर लीजिएगा। सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म HCl प्लस HNO3 HCl प्लस HNO3, तो उसके क्या होता है, वाइट प्रिसिपिटेट बनेंगे, देख लीजिएगा टेस्ट ट्यूब वाली वीडियो में आप। रिएक्शन विद NH4OH इंट्रोड्यूस अ ग्लास रोड डिप इन NH4OH सोल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी इनटू अ गैस जार फिल्ड विद गैस, वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस, तो क्या होगा, वाइट फ्यूम्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म HCl प्लस NH4 से लिए अमोनियम क्लोराइड बनेगा, तो इसके फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगे, देख लीजिएगा वीडियो में वो भी आप। रिएक्शन विद लेड एसीटेट, ये भी देख लें। इंट्रोड्यूस सम क्वांटिटी ऑफ लेड एसीटेट सोल्यूशन इनटू अ गैस फिल जार, वाइट प्रिसिपिटेट्स आर फॉर्म, तो ज़रा देखिएगा, ये भी मैंने आपको करके दिखाया। वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ लेड क्लोराइड आर फॉर्म, तो ज़रा देख लीजिएगा, हल्का हल्का सा जो ना कलर वाइट हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा वाइट होगा, लेकिन हल्का सा भी हो जाए तो बहुत सही है। एक्शन ऑन लिटमस पेपर, ये भी मैंने आपको करके दिखाया। इंट्रोड्यूस वेट ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर इनटू द जार, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, तो ये एसिडिक नेचर की होगी, क्योंकि इसने क्या काम करा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दिया। HCl इज एन एसिडिक गैस, ये आपको पता होना चाहिए। इसका चौथा आप क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब फिर क्वेश्चन आपको नहीं लिखनी होंगी पेपर में। फिगर आपको ये वाली बनानी है, देख लीजिए, राउंड बॉटम फ्लास्क वाली, ये गैस जार हो गया, ये इसके तमाम ऑपरेटर्स आप देख लीजिएगा, मैंने वीडियो में बताया ऑपरेटर्स के बारे में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। टाइम लगा दे, क्या बनेगा, रख दे रख दे। और ले।
बस बस ऑयल है नीचे रख दीजिएगा उसको अब अला।